हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी आप सभी का अपने चैनल स्टिच होम में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने कोट का कटिंग शेयर किया था, इस वीडियो में इसका स्टिचिंग शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ मैंने फ्रंट पैनल के सारे कलियों को सेट किया हुआ है। सबसे पहले इसे हम ज्वाइन करेंगे। इन दोनों कलियों को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले हिप, वेस्ट और बस्ट पॉइंट को आपस में मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे। इस कोट का कटिंग वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पिनअप करने के बाद दोनों कलियों को आपस में मिलाकर हाफ इंच डिस्टेंस लेते हुए नीचे से ऊपर तक स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे और सेम प्रोसेस हम दूसरे साइड पर भी करेंगे। मतलब यहाँ पर भी हिप, वेस्ट और बस्ट पॉइंट को आपस में मिलाकर पिनअप करके दोनों कलियों को नीचे से ऊपर तक स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे और सेम प्रोसेस से बैक पैनल को भी पिनअप करके आपस में ज्वाइन कर लेंगे और लाइनिंग वाले पार्ट को भी फ्रंट और बैक पैनल के कलियों को इसी तरीके से मिलाते हुए ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ मैंने दोनों कलियों को आपस में ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पर मैंने साइड के कलियों पर साइड वेल्ट पॉकेट अटैच किया है, जिसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सेम तरीके से इसके लाइनिंग वाले पीसेस को भी ज्वाइन कर लिया है और बैक पैनल और उसके लाइनिंग को भी आपस में मिलाते हुए ज्वाइन कर लिया है। बैक और फ्रंट पैनल को आपस में मिलाकर शोल्डर से ज्वाइन कर लेंगे और सेम तरीके से लाइनिंग वाले पार्ट को भी आपस में मिलाकर शोल्डर से ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ मैंने दोनों पार्ट को शोल्डर से ज्वाइन कर लिया है और लाइनिंग वाले पार्ट को भी दोनों को आपस में मिलाकर शोल्डर से ज्वाइन कर लिया है। अब इस पर हम स्लीव अटैच करेंगे। स्लीव अटैच करने के लिए कोट का आर्म होल और स्लीव का आर्म होल आपस में मिलाते हुए हाफ इंच स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए इसे हम स्टिच कर लेंगे और इसी तरीके से दूसरे साइड का भी स्लीव अटैच कर लेंगे और लाइनिंग वाले पार्ट पर भी हम स्लीव अटैच कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने स्लीव अटैच कर दिया है और लाइनिंग वाले पार्ट पर भी स्लीव अटैच कर दिया है। अब हम इस पर शोल्डर पैड अटैच करेंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास जो शोल्डर पैड है वह साइज में बड़ा है। यह जनरली जेंट्स कोट में अटैच किया जाता है। इसे हम कट करके छोटा करेंगे। सो इसके लिए सेंटर से फोल्ड करके इसे डबल लेयर में सेट करेंगे। उसके बाद इस कॉर्नर से इसे 3 इंच पर मार्क करेंगे और इस साइड पर हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और फिर इन दोनों पॉइंट्स को लाइन के द्वारा मिला लेंगे और फिर इस लाइन के अकॉर्डिंग इसे कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसका थिकनेस भी बहुत ज्यादा है, सो इसे हम बीच से दो पार्ट में सेपरेट कर लेंगे। इस तरह से हमारा एक ही शोल्डर पैड से दो शोल्डर पैड बन जाएगा। अब इसे कोट से अटैच करेंगे। सो इसके लिए सेंटर से फोल्ड करके इसके दोनों साइड पर सेंटर पॉइंट पर मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद पैड का सेंटर पॉइंट और कोट का शोल्डर का सेंटर पॉइंट आपस में मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे। उसके बाद दोनों साइड स्टिचिंग मार्जिन से मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे और इस साइड का सेंटर पॉइंट शोल्डर का स्टिचिंग मार्जिन वाले पॉइंट से मिलाते हुए इसे पिनअप कर लेंगे। इसके बाद इसे स्टिचिंग मार्जिन से होते हुए स्टिच कर लेंगे और इस साइड पर हम शोल्डर को स्टिचिंग मार्जिन वाले फैब्रिक से स्टिच करेंगे। इस तरह से स्टिच करने से राइट साइड पर इसका स्टिचिंग लाइन नहीं आएगा। आप देख सकते हैं दोनों शोल्डर का स्टिचिंग मैंने यहाँ कम्प्लीट कर दिया है। राइट साइड से यह इस तरह से दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसका स्टिचिंग मार्जिन वाले फैब्रिक पर किया है, इसलिए इसका राइट साइड पर कोई भी स्टिचिंग लाइन नहीं आया है। अब इसे हम साइड से स्टिच करेंगे। सो इसके लिए जो भी हमारा साइड में स्टिचिंग मार्जिन है उससे होते हुए हम नीचे बॉटम लाइन तक इसे स्टिच कर लेंगे और साइड का स्टिचिंग हम दूसरे साइड पर भी कर लेंगे और लाइनिंग वाले फैब्रिक को भी हम साइड से स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने साइड का स्टिचिंग कम्प्लीट कर दिया है और लाइनिंग वाले पार्ट को भी साइड से स्टिच करके ज्वाइन कर लिया है। कॉलर का कटिंग करेंगे। सो कॉलर का कटिंग के लिए नेक राउंड का मेजरमेंट लेंगे। यहाँ पर हम कॉलर का मेजरमेंट के लिए नेक राउंड का जो हमने यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क किया था उससे होते हुए पूरे नेक राउंड का मेजरमेंट लेंगे। और यहाँ इस मार्किंग तक मेजरमेंट लेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉलर के लिए मेजरमेंट 15.75 इंच आया है। यहाँ पर मैं कॉलर का ड्राफ्ट पहले पेपर पर करूंगी। सो इसके लिए मैंने ब्राउन पेपर को डबल लेयर में सेट किया है। सबसे पहले इस साइड पर 0.25 इंच पर मार्क करके यहाँ पर एक सीधी लाइन बना लेंगे। यह स्पेस मैंने बॉटम लाइन के स्टिचिंग मार्जिन के लिए रखा है।
अब इस लाइन पर नेक्राउंड का हाफ का मेजरमेंट लेंगे तो 15.75 इंच का हाफ हो जाएगा 8 इंच में एक पॉइंट कम, से उतना लेकर हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब इसके बंद भाग के तरफ हम कॉलर की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे और 0.25 इंच रखेंगे मार्जिन के लिए, सो 3.25 इंच पर मार्क कर लेंगे। और इस साइड हम कॉलर की चौड़ाई 2 इंच रखेंगे तो उसमें 0.25 इंच ऐड करके 2.25 इंच पर मार्क कर लेंगे। और इस मार्किंग पॉइंट से हम 0.25 इंच आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे। यहाँ इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस भी 2.25 होना चाहिए। और उसके बाद हम इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला लेंगे और यहाँ पर भी इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे और यहाँ पर हम नीचे लाइन बनाकर ज्वाइन कर लेंगे। इस साइड भी हम 0.25 इंच रखेंगे स्टिचिंग मार्जिन के लिए, सो इस पॉइंट से आगे की ओर 0.25 इंच मार्क कर लेंगे और उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को लाइन बनाकर ज्वाइन कर लेंगे। अब इस मार्किंग के अकॉर्डिंग हम इसे कट कर लेंगे। कॉलर का कटिंग उरे फैब्रिक पर करेंगे, सो इसके लिए फैब्रिक को तिरछा इस तरह से फोल्ड करके कॉलर ड्राफ्टिंग को इसके ऊपर रखकर कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कॉलर का कटिंग कंप्लीट कर लिया है। अब मेन कोट को लाइनिंग के साथ असेंबल करेंगे, सो इसके लिए दोनों पार्ट को रॉन्ग साइड ऊपर की ओर रखेंगे। आप देख सकते हैं दोनों पार्ट को मैंने रॉन्ग साइड ऊपर की ओर रखा है। उसके बाद दोनों स्लीव को अपोजिट साइड रखेंगे। उसके बाद दोनों स्लीव का राइट साइड से मिलाते हुए पिनअप करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम मार्जिन वाले फैब्रिक को आपस में मिलाते हुए पिनअप करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने दोनों को राइट साइड मिलाकर पिनअप किया है। स्लीव के बॉटम राउंड के चारों तरफ से इसे हम पिनअप कर लेंगे। सेम तरीके से दूसरे साइड का स्लीव को भी आपस में मिलाते हुए उसके बॉटम राउंड से पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद दोनों स्लीव के बॉटम राउंड के चारों तरफ हाफ इंच मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने दोनों स्लीव का स्टिचिंग कंप्लीट कर दिया है। इसे जब हम राइट साइड से पुल करेंगे तो यही इस तरह से दिखेगा। अभी से फिर से इसे पुल करके रॉन्ग साइड ऊपर की ओर कर लेंगे। अब इस पर कॉलर अटैच करेंगे, सो कॉलर अटैच करने के लिए नेक राउंड को सेंटर से फोल्ड करके इसके मिडिल पॉइंट पर मार्क कर लेंगे और सेम प्रोसेस लाइनिंग वाले फैब्रिक पर भी करें। अब कॉलर पीसेस को लेकर उसे भी सेंटर से फोल्ड करके मिडिल पॉइंट पर मार्क कर लेंगे। कॉलर का एक पीस को लेकर कॉलर का और मेन फैब्रिक का राइट साइड एक दूसरे को फेस करता हुआ रखेंगे। सबसे पहले मिडिल पॉइंट पर पिनअप कर लेंगे, उसके बाद मिडिल पॉइंट के दोनों ओर नेक राउंड और कॉलर को आपस में मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे। कॉलर का दूसरे पीस को हम लाइनिंग वाले फैब्रिक पर अटैच करेंगे, सो यहाँ भी लाइनिंग और कॉलर के पीसेस को राइट साइड एक दूसरे को फेस करता हुआ रखेंगे और सबसे पहले मिडिल पॉइंट पर पिनअप करेंगे, उसके बाद इसके दोनों साइड से हम इसे पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद दोनों कॉलर को यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। आप देख सकते हैं दोनों कॉलर पीसेस को मैंने मेन फैब्रिक से अटैच कर दिया है। अब इन दोनों कॉलर पीसेस को आपस में ज्वाइन करेंगे, सो उसके लिए दोनों कॉलर पीसेस को हम राइट साइड एक दूसरे को फेस करता हुआ इस तरह से मिलाएंगे। दोनों पीसेस को एक दूसरे से मिलाने के बाद इसका स्टिचिंग हम एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद दूसरे कॉर्नर तक इसे स्टिच कर लेंगे। सो इसका स्टिचिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कॉर्नर तक स्टिच करने के बाद अब नीचे आ जाएंगे। यहाँ नीचे आने के बाद कॉलर का स्टिचिंग पॉइंट तक इसे स्टिच करेंगे, फिर से टर्न करके हम दूसरे एंड तक इसे स्टिच करेंगे। अब दूसरे साइड का भी कॉर्नर का स्टिचिंग इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। कॉलर को स्टिच करने के बाद स्लीव को ऊपर की साइड कर लें और उसके बाद इसके साइड का स्टिचिंग करेंगे। सो साइड का स्टिचिंग के लिए दोनों साइड का फैब्रिक को आपस में मिलाते हुए ऊपर से नीचे तक स्टिच करेंगे और नीचे यहाँ पर लाइनिंग वाले फैब्रिक के हाफ इंच ऊपर तक स्टिच करेंगे और यहाँ पर हाफ इंच पर एक कट लगा लें और मेन फैब्रिक के ऊपर कट पॉइंट तक मार्क कर लें। सो बॉटम में यहाँ तक स्टिच करेंगे। सेम मार्किंग और कटिंग दूसरी साइड भी कर लेंगे।
सेम तरीके से दूसरे साइड का भी स्टिचिंग कंप्लीट करेंगे। साइड का स्टिचिंग करने के बाद यहाँ कॉलर के दोनों साइड कॉर्नर पर कट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर भी साइड के स्टिचिंग के कॉर्नर पर कट लगाएंगे। कट लगाने से जब इसे टर्न करेंगे तो कॉलर के कॉर्नर के पास फिनिशिंग आएगी और यहाँ पर भी कॉलर के दोनों साइड के कॉर्नर पर स्टिचिंग पॉइंट तक कट लगाएं। अब इसका बॉटम का स्टिचिंग करेंगे। सो इसके लिए किनारे से दोनों फैब्रिक को पकड़ते हुए हाफ इंच मार्जिन लेते हुए मिडिल तक स्टिच करेंगे और सेम प्रोसेस हम दूसरे साइड से भी करेंगे और बीच में करीब 10 इंच स्पेस ओपन छोड़ेंगे क्योंकि यहां से हम कोट को टर्न करके राइट साइड ऊपर की ओर करेंगे। आप देख सकते हैं बॉटम राउंड का स्टिचिंग कंप्लीट कर दिया और बीच में करीब 10 इंच स्पेस ओपन छोड़ा है। अब कोट को टर्न करेंगे। कोट को टर्न करने से पहले इसका चेस्ट वेस्ट और हिप लेंथ पर इसका मेजरमेंट ठीक से चेक कर लें, उसके बाद कोट को टर्न कर लें। सो इसके नीचे ओपनिंग वाले पार्ट से कोट को हम धीरे धीरे आराम से पुल करते हुए कोट का राइट साइड ऊपर की ओर कर लेंगे। और राइट साइड करने के बाद यहाँ नीचे ओपनिंग वाले पार्ट को लाइनिंग और मेन फैब्रिक को आपस में मिलाते हुए हेमिंग कर ले। उसके बाद कोट को प्रेस करके इस पर बटन अटैच कर ले। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आप सबको कैसा लगा है और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।